अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फेमोरल ट्रायंगल। बेसिकली हमने कल स्टार्ट की थी, इसमें बाउंड्रीज, बेस, एपिक्स, रूफ, फ्लोर और कुछ कंटेंट्स भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, बाउंड्रीज बनती हैं बेसिकली इसकी सुपीरियरली इलोइंगुइनल लिगामेंट, मीडियल बाउंड्री होती है इसकी और इसकी बेस अपवर्ड है, और एपिक्स क्या है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड इज फॉर्म्ड बाय द क्रॉस ओवरिंग ऑफ दिस मीडियल एंड द लैटरल बाउंड्रीज। तो मीडियल बाउंड्री इसकी बनती है विद द एडक्टर लॉन्गस मसल एंड द मीडियल बॉर्डर बेसिकली, एंड द लैटरल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द सार्टोरियस मसल। ठीक है, और ये दोनों जहाँ पे फ्यूज दोनों क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, ये मीडियल और लैटरल दोनों की मीडियल बाउंड्रीज, तो इस जगह पे ये इसकी क्या बनती है, एपिक्स। दैट मीन्स फेमोरल ट्राइंगल क्या है, ये वाला पार्ट है इसका। ठीक है, ये और ये इसकी सुपीरियर बाउंड्री है विद द इंग्वाइनल लेगामेंट। बेस हमने कहा अपवर्ड है एंड फॉर्म्ड बाय द इलियो इंग्वाइनल लेगामेंट, एपिक्स इज डाउनवर्ड। ये बाउंड्रीज भी होगी। फ्लोर हमने कहा था कि इसके दो पार्ट्स हैं फ्लोर के, एक है मीडियल पार्ट, एक है लैटरल पार्ट। तो जो मीडियल पार्ट है वो बेसिकली बनता है आपका पेक्टिनियस, यहाँ पे पेक्टिनियस मसल होता है पूरा। ठीक है, और अगर आप इसकी ये मीडियल बाउंड्री अगर एडक्टर लॉन्गस की कंसिडर करते हैं, यानी कुछ बुक्स कहती हैं कि सिर्फ पेक्टिनियस इज द फ्लोर एंड सम बुक्स इज द सम पार्ट ऑफ द फ्लोर इज फॉर्म बाय द एडक्टर मसल। रूफ मस्कुलर है तो उसके बाद जाहिर है डीप फेशिया होगा, और डीप फेशिया के अंदर इसकी क्या है, सेफनेस ओपनिंग है। सेफनेस ओपनिंग के अंदर लॉन्ग सेफनेस वेन है, यानी सेफनेस ओपनिंग के जो कंटेंट्स हैं वो भी, उसके बाद फिर सुपरफिशियल फेशिया एंड स्किन, ये सारे इसकी रूफ बनाएंगे। देन कंटेंट्स की बात कर रहे थे, तो कंटेंट्स में हमने कहा था फेमोरल शीथ एंड इट्स कंटेंट, ये आपके फेमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स हैं। जो हमने पहले रूफ पढ़ी है, रूफ के अंदर सेफनेस ओपनिंग और उसके कंटेंट्स आएंगे रूफ के अंदर, यानी सेफनेस ओपनिंग एंड इट्स कंटेंट्स, जबकि जो जब हम फेमोरल ट्रायंगल के इट्सेल्फ कंटेंट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आपकी आएगी फेमोरल शीथ एंड इट्स कंटेंट, और वो हम आगे देखते हैं। बेसिक जो हमारा आज का टॉपिक है वो यही है कि उसके कंटेंट्स में क्या चीज़ें आती हैं। तो उससे पहले आप कंटेंट्स देख लीजिएगा, फेमोरल नर्व और उसकी जो भी मस्कुलर, जिन भी ब्रांचेज जो सप्लाई कर रही होती है मस्कुलर ब्रांचेज, वो भी इस फेमोरल ट्रायंगल के अंदर होंगी इस एरिया में। उसके बाद आ जाती है लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, इस पॉइंट पे ये यहाँ से इस तरह से आती है, ये लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है ये, और ये फेमोरल नर्व है ऑन द लैटरल साइड ऑफ द फेमोरल शीथ। उसके बाद आ जाते हैं आपके डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं आपके जो फेमोरल वेन है, फेमोरल वेन के मीडियल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी ये फॉर एग्जांपल आपके फेमोरल शीथ वाली एरिया है, तो इस साइड पे आपके ये डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगे। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स आपको पता है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट थे, और डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स बिलो द डीप फेशिया इन द फेमोरल ट्रायंगल ऑन द मिडल साइड ऑफ द फेमोरल वेन प्रेजेंट है, ये आपके डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी फेमोरल शीथ एंड इट्स कंटेंट्स। ठीक है, फेमोरल नर्व, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, इसके बाद हैं आपकी फेमोरल शीथ एंड इट्स कंटेंट्स। इसमें आपने याद रखना है कि फेमोरल शीथ के अंदर कंटेंट्स आपके आएंगे, एक आपकी फेमोरल ब्रांच ऑफ द जेनिटो फेमोरल नर्व, ये भी इसके अंदर ही आती है फेमोरल शीथ के अंदर ही। उसके बाद आते हैं फेमोरल जो मेन कंटेंट्स है इसके, फेमोरल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस, फेमोरल वेन एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, जो भी जितनी भी उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं वो सारी, एंड देन द फेमोरल ब्रांच ऑफ द जेनिटो फेमोरल नर्व, और उसके बाद जो मीडियल कंपार्ट मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट होता है फेमोरल शीथ का, उसके अंदर कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका आप कहते हैं नोड्स ऑफ रोजनमेयर या लिम्फ नोड्स ऑफ रोजनमेयर, वो भी इसका कॉन्टेंट्स होता है। यानी ऑलमोस्ट आपने ये सारी चीज़ें मैंशन कर देंगे, ये आपके कॉन्टेंट्स में आ जाएंगे। तो अब हमने मेन टॉपिक हमारा डिस्कस करना है, विच इज़ फेमोरल शीथ। इंग्वाइनल लिगामेंट है वो बनता कैसे है, जो एक्सटर्नल मसल्स की तीनों लेयर्स के मैंने आपको नाम बताए थे, सबसे ऊपर होंगे एक्सटर्नल ओब्लीक, ठीक है, उसके बाद फिर इंटरनल ओब्लीक, देन फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ठीक है, ये
तीन मसल्स होते हैं फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप. तो जो इंग्वाइनल लिगामेंट है उसका जो फेशिया है वो डाउनवर्ड इस तरह से रोल होना शुरू हो जाता है, यानी ये ऊपर से आ रहा है और ये इस तरह से ये आउटर साइड पे ये रोल हो के अपने ऊपर ही रोल होता जाएगा और फिर क्या होगा, ये एक राउंड बैंड बना देगा जो कि इलिक ट्यूबरकल और इंटीरियर स्पेरिक प्यूबिक ट्यूबरकल और इंटीरियर स्पेरिक इलिक स्पाइन के ऊपर अटैच होता है, इज द इंग्वाइनल लिगामेंट. ठीक है, इसके बाद आपने लास्ट वाली जो ये आपने याद रखनी, ये है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल. इसका भी फेशिया सेम, कहते हैं कि जो जो फेमोरल शीथ है इसका फेशिया, क्योंकि आपको पता है आप इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल दोनों के दरमियान में आपके सारे एब्डोमिनल कंटेंट्स पड़े हुए हैं. ठीक है, तो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आपकी हिप बोन वाला जो पार्ट है वहाँ से एंड हो रही है, हिप बोन के जो मसल है उसमें, और पीछे वाली साइड पे आपका ग्लूटियल वाली, नहीं वो एक बोनी एज है, दोनों उसके बोनी बाउंड्री है. तो क्या है, इंटीरियरली जो आपके इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो पेल्विस के कंटेंट्स हैं या आपके जो एब्डोमिन के कंटेंट्स हैं, इंटेस्टाइन वगैरह, वो सारे इस पॉइंट, दोनों पॉइंट्स के दरमियान में प्रेजेंट होंगे. क्या होगा कि जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का फेशिया है ना, तो आपसे जितनी भी ब्लड वेसल्स आ रही हैं वहाँ से, तो और वो मेनली आपके पास आती है एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी और एक्सटर्नल आइलिक वेन, अगर आप बात करें तो वेन जा रही होती है. तो एक्सटर्नल कहते हैं कि जो इस सिर्फ ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस का फेशिया है ना, ये इसके साथ ही प्रोलोंग कर जाता है विद द एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी बिलो द इंग्वाइनल. एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे ही फेमोरल आर्टरी बन जाती है. ठीक है, फेमोरल आर्टरी बन जाती है बिलो द इंग्वाइनल. ये ऊपर से एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी थी और नीचे इसने इस लिगामेंट के बाद इसका ही नाम हो जाता है फेमोरल आर्टरी. तो कहते हैं ये जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का जो फेशिया है ये भी इसके साथ आर्टरी के साथ साथ डाउनवर्ड एक्सटेंड करता जाता है ऑलमोस्ट अप टू द डिस्टेंस ऑफ 3 to 4 centimeters. ठीक है, अब फेशिया तो मसल भी, एब्डोमिनल मसल भी ऊपर ख़त्म हो गया, आर्टरी भी ऊपर ख़त्म हो गई है, नीचे अब वो फेमोरल आर्टरी बन गई है, लेकिन ये फेशिया एक्सटेंड कर रहा है, प्रोलोंग कर रहा है, और ये क्योंकि फेमोरल आर्टरी बन गई और फेमोरल आर्टरी के ऊपर एक्सटेंड कर, इसलिए आप इसे कहते हैं कि फेमोरल शीथ है इसका नाम. ठीक है, फेमोरल वेसल्स को इनक्लोज कर दिए. ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि बेसिकली इट्स अ प्रोलोंगेशन ऑफ द फेशिया ट्रांसवर्स सेलिस विच इज द एपोनिरोसिस ऑफ द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल. सो तो फेमोरल शीथ क्या है, बेसिकली जो फेशिया ट्रांसवर्स सेलिस है उसी की डाउनवर्ड प्रोलोंगेशन है इंटीरियरली. तो पोस्टीरियरली हिप बोन है, तो हिप बोन के ऊपर मेनली इलियकस और स्वास मेजर, तो इलियकस को मसल के सारे मसल को फेशिया कवर कर रहा होता है, तो पीछे वाली साइड से इलियकस मसल होगा. तो आपने यही याद रखना है, इसकी जो बाउंड्रीज में आ जाएगा ना, सुपीरियरली क्या इसके बाउंड्री हैं और इन्फीरियरली क्या है. तो सुपीरियरली इसमें इंटीरियर साइड पे फेशिया ट्रांसवर्स सेलिस होगा, सेलिस एंड पोस्टीरियरली फेशिया इलियाका. इन्फीरियरली अगर आप बात करें तो इन्फीरियरली ये क्या करता है कि जो क्योंकि ब्लड वेसल्स है यहाँ पे, ये मैंने ये ड्रॉ की है बेसिकली, तो ये क्या है, ये आर्टरी और वेन है, ये फेमोरल आर्टरी है और ये फेमोरल वेन है. तो इनकी जो आउटर लेयर आपको पता है ये एडवेंटिशिया होती है, तो उसके साथ ये फ्यूज कर देते हैं, यानी हम कहते हैं कि फेमोरल सिर्फ 3 to 4 centimeters के डिस्टेंस तक की क्यों इसके अंदर प्रोलोंग करते हैं, उसके बाद क्यों नहीं होती. वो इस वजह से कि वो इस आर्टरी की जो आउटर लेयर है या इस वेसल्स की जो आउटर लेयर है उनके साथ ही ब्लेंड कर जाता है, इस वजह से ये नीचे प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो सुपीरियरली बाउंड्रीज में आपके इंटीरियर और पोस्टीरियर आ जाएगा फेशिया ट्रांसवर्स सेलिस एंड फेशिया इलियका. उसके बाद इन्फीरियरली ये ब्लेंड करता है विद द आउटर लेयर ऑफ द वेसल्स. तो फेमोरल शीथ है, ये फेमोरल शीथ आगे इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स इसके बन गए हुए हैं विद द सेप्टास. कुछ सेप्टास इसमें इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली पास कर रहे होते हैं और इसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. ये इसे आप क्या कहते हैं, लैटरल कंपार्टमेंट, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एंड दिस इज द मीडियल कंपार्टमेंट, क्योंकि ये आपकी लैटरल साइड है थाई की. ठीक है, तो दिस इज द लैटरल कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट, सॉरी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट
एंड द मीडियल कंपार्टमेंट। लैटरल कंपार्टमेंट के अंदर आर्टरी होगी विच इज़ द फेमोरल आर्टरी, इस तरह से पूरी, ठीक है। तो इसे आप कहते हैं आर्टेरियल कंपार्टमेंट, लैटर और द आर्टेरियल कंपार्टमेंट। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट के अंदर फेमोरल आर्टरी और उसकी ट्राइब्यूटरीज होंगी, तो इसलिए उसे आप क्या कहते हैं, वीनस कंपार्टमेंट। जो मीडियल कंपार्टमेंट है इसके अंदर कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं इसमें प्रेजेंट होता, ठीक है। यानी कोई इस ओवरऑल से कोई इसमें आर्टरी वेन नहीं प्रेजेंट, सिर्फ कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट, जिसे आप क्या कहते हैं, लिम्फ नोड्स ऑफ रोजेनमिलर। इसका एक अपना नाम है और इसे क्या कहते हैं, फेमोरल कैनाल, ठीक है। तो ये बात दो टर्म्स आपने याद रखनी है, वन इज फेमोरल शीथ एंड सेकंड इज द फेमोरल कैनाल। फेमोरल शीथ इज द कवरिंग ऑफ द फेमोरल वेसल्स डाउनवर्ड और द इकोनिकल इन शेप्ड आर अ फनल शेप्ड, और ये कहते हैं 3 to 4 centimeter तक फेमोरल वेसल्स को इनक्लोज करती है एंड इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 compartments बाय द सेप्टास, और उस उन कंपार्टमेंट्स का जो मीडियल कंपार्टमेंट है उसे आप क्या कहते हैं, फेमोरल कैनाल, ठीक। अब फेमोरल कैनाल क्या है, के दो पार्ट्स हैं इसका, एक है फेमोरल रिंग सेकेंड इसका क्या है, फेमोरल कैनाल जो मेन है, इस जो कैनाल पार्ट है, जो इस कैनाल की जो ओपनिंग है, जो अपर पार्ट है, ये वाला अपर पार्ट, ये इससे आप क्या कहते हैं, फेमोरल रिंग। अब जिसकी बाउंड्रीज आपने बेसिकली फेमोरल रिंग की याद करनी है, तो इंटीरियरली यहाँ से आपका इंग्वाइनल लिगामेंट आ रहा था, तो इसकी इंटीरियर बाउंड्री क्या होगी, इंग्वाइनल लिगामेंट की। इसके बाद मीडियल साइड पे लैकुनर लिगामेंट में भी आप में से किसी को याद हो, जहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट ख़त्म होता है उसके बाद उसी जगह से ना ये इस तरह से एक कर्व सा मार्जिन बनता है, और इसे कहते हैं ट्राइंगुलर, बेसिकली इसे बोलते हैं, ठीक है। जो इसकी बेस है, ये इसका बेस वाला पार्ट आ जाता है, ये इस तरह ही होता है, ये इसका बेस वाला पार्ट है, ये एपिक्स वाला पार्ट है, ये मीडियल ही होता है क्योंकि ट्यूबरकल यहाँ पे, और ये क्या है, लैटरली है, बेस लैटरली, तो इसे हम क्या कहते हैं, लैकुनर लिगामेंट। तो यहाँ पे ये लैकुनर लिगामेंट प्रेजेंट है, ये इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए इसके मीडियल बाउंड्रीज से कौन बनाएगा, लैकुनर लिगामेंट, और पोस्टीरियरली, क्योंकि पोस्टीरियरली आपका पेक्टिनियस मसल प्रेजेंट है, फ्लोर है ना नीचे, ट्रायंगुलर का फ्लोर है, तो ट्रायंगल के जो फ्लोर में हमने पढ़ा था, इस एरिया में पेक्टिनियस मसल है, तो पेक्टिनियस मसल का जो फेशिया होगा वो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा होगा, इस फेमोरल कैनाल की, इस फेमोरल रिंग की, ठीक है। तो दोबारा से सुन लें, इसकी बाउंड्रीज क्या होंगी, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लैटरल। एंटीरियरली मैंने बताया कि इंग्वाइनल लिगामेंट है, तो वही होगा इंग्वाइनल लिगामेंट। पोस्टीरियरली लैकुनर लिगामेंट होगा, पोस्टीरियरली इसका पेक्टिनियस मसल होगा, उसका फेशिया बेसिकली। मीडियली क्या होगा, लैकुनर लिगामेंट, एंड लैटरली सेप्टम सेपरेटिंग द मीडियल एंड द इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट्स, ये वाला। तो ये फेमोरल रिंग की बाउंड्रीज हैं। अब ये इसी तरह से डाउनवर्ड ये एक्सटेंड कर रही है, अगर आप देखें तो ये इस तरह से, ये पूरी एक वर्टिकल नहीं है, तो ये क्योंकि इसकी जो लोअर बाउंड्री है फेमोरल शीथ की, ये वर्टिकल नहीं आती, इसका जो लैटरल बाउंड्री है टोटली वर्टिकल आती है, ये जो इसकी मीडियल बाउंड्री है ये इस तरह ओब्लीक हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से जो फेमोरल कैनाल की शेप है वो भी एक कोन की शेप में आ जाती है, कोनिकल बन जाती है, ठीक है। तो ये, और इसकी टोटल जो इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी 1.5 centimeter ये ब्रॉड होती है और 1.5 centimeter ही ये लॉन्ग होती है, दैट्स इट। मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द फेमोरल शीथ इज नाउन एज द फेमोरल कैनाल, इट्स ओपनिंग इज नाउन एज द फेमोरल रिंग, और उसकी बाउंड्रीज बतानी है आपने, एंड द फेमोरल कैनाल इज 1.5 centimeter वाइड एंड 1.5 centimeter लॉन्ग। फ़ायदा क्या है,
यहाँ पे तो सिर्फ कुछ नोड्स के और तो कुछ भी नहीं प्रेजेंट, तो फ़ायदा क्या है इसका? मतलब ये नोड्स तो बाहर भी प्रेजेंट हो सकते थे। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, यानी ब्लड ब्लड ज़्यादा हार्ट की तरफ जा रहा होगा थ्रू द फेमोरल वेन, तो यहाँ से ये वेन एक्सपैंड कर सकती है। ये इसके लिए बेसिकली नेचर ने स्पेस रखी हुई है एक्सपैंड करने के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे ये कंपार्टमेंट में स्पेस है। तो ये वीनस रिटर्न, इम्प्रूव वीनस रिटर्न के लिए वेन को एक्सपैंड करने के लिए स्पेस देती है ये फेमोरल कैनाल, ठीक है। उसके बाद और नुकसान भी इसका ये है कि अगर क्या हो, ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग आप एक्सरसाइज कर रहे हो और साथ में ब्रेथ आपने रोक ली है, यानी आपको कहा है कि डीप ब्रीद करें और उसके बाद आपने ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्रेथ रोक ली, तो उसमें क्या होता है, इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जब एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा, ब्रेथ रोकी हुई है तो, और उसमें क्या है, यहाँ पे ये वेन एक्सपैंड करेगी वीनस सप्लाई की वजह से ज़्यादा, कि ब्लड वेन के अंदर ज़्यादा है तो यहाँ पे स्टेसिस हो जाएगी ब्लड की, ठीक है, वेन यानी यहाँ से स्वोलन हो जाएगी उस पॉइंट में अगर ब्रेथ रोकी हो। इसी वजह से कहते हैं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज डीप ब्रीदिंग करती रहनी चाहिए, सांस नहीं रोकना चाहिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब पेशेंट को गाइड कर रहे हैं तो इसे कहते हैं कि मूवमेंट के दौरान आपने एक्सरसाइज ब्रीदिंग नहीं स्टॉप करनी। कॉन्टेंट्स मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सिर्फ कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगे जिनका कहते हैं लिम्फ नोड्स ऑफ रोजन मिलर। इंटीरियरली आपने बाउंड्रीज से याद रखें फेमोरल शीथ के, ये मीडियल कंपार्टमेंट है, यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर ये वेन को एक्सपैंड करने के लिए स्पेस देता है। इन द एबनॉर्मल सिचुएशन ऊपर एबडोमिन में ये जाहिर इंटीरियर एबडोमिनल वॉल है और उसके बाद इलियकस मसल है, दरमियान में एबडोमिनल कॉन्टेंट्स हैं, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है या और पेरिटोनियम है या कोई भी कॉन्टेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यानी मसल्स के बाद वो सारे विसराज हैं, तो विसराज आ सकते हैं यहाँ पे। मोरल शीथ है, इसकी बाउंड्री क्या बना रही है, आपके फेशिया ट्रांसफर सेल्स की ही इंटीरियर, यानी फ़ौरन से उसके बाद कॉन्टेंट्स ही हैं। अगर ये एब्डोमिनल वॉल मसल कोई पर्सन है वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, एब्डोमिनल मसल्स बहुत वीक हैं, तो इस फेशिया इतना लैक्स होगा, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि ये एब्डोमिनल मसल्स को ऊपर पुश कर सके, तो क्या होगा, जो एब्डोमिनल कॉन्टेंट्स हैं सम टाइम अपने एब्डोमिनल प्रेशर के इंक्रीज की वजह से इस फेमोरल केनाल के अंदर आ सकते हैं, और अगर इस फेमोरल केनाल के अंदर ये आ गए तो उसे आप क्या कहते हैं, हर्निया। और हर्निया का मतलब क्या है, प्रोट्रूजन बाहर, यानी जो चीज़ अपनी नॉर्मल प्लेस से अगर कोई चीज़ बाहर निकल गई भी है तो उसे आप क्या कहते हैं, हर्निएशन। अपनी नॉर्मल प्लेस से निकल के किसी दूसरी स्पेस में आ जाएगी तो उसे आप क्या कहते हैं, हर्निया, फेमोरल हर्निया, क्योंकि फेमोरल शीत है तो फेमोरल शीत के भी विसल के लिए मीडियल कंपार्टमेंट वाली साइड से है, तो इसलिए आप इसे क्या कहेंगे कि ये फेमोरल हर्निया। मेनली यहाँ पे इंटेस्टाइन का कंटेंट्स होते हैं, उसके अलावा भी कोई भी एब्डोमिनल कंटेंट हो सकता है, यानी वो इंटेस्टाइन ने एब्डोमिन के अंदर प्रेजेंट है लेकिन वो वहाँ से इसके अंदर आ जाएगी, अपनी नॉर्मल पोजिशन से वापस किसी दूसरी पोजिशन में आ गए, यानी थाई के रीजन में आ गए हुए, तो इसलिए आप इसे क्या कहते हैं, हर्निया। डीप फेशिया के बाद ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, अगर इसी एरिया में आप ऊपर डीप फेशिया ड्रॉ करो तो इसी लेवल पे आपकी सेफनेस ओपनिंग होती है। मैं इसको ब्लू से ड्रॉ करती हूँ, ये आपकी सेफनेस ओपनिंग थी, उसकी लैटरल बाउंड्री, ठीक है, ये लैटरल बाउंड्री है और इसका ये मीडियल मार्जिन है जो कि इसका क्रिब्री फॉर्म, और ये इसको कवर किया हुआ है। अब क्या है, इस मीडियल कंपार्टमेंट में से ये फेमोरल रिंग है, ये पूरा का कोई भी एब्डोमिनल कंटेंट इस फेमोरल रिंग में जाएगा और वहाँ से डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगा, नीचे फिर आपको नज़र आ रही स्पेस फेमोरल सेफनस ओपनिंग से फिर ये इसको, यानी सेफनस ओपनिंग बेसिकली एक गैप है डीप फेशिया के अंदर, तो इसकी वजह से फिर ये फॉरवर्ड आएगा, यानी बाहर की तरफ इसकी प्रोट्रूजन होगी जो भी कंटेंट होगा उसका। उसके बाद यहाँ से आपको पता है कि यहाँ पे आपके उसके बाद वेसल्स हैं, और वो वेसल्स कौन सी हैं, आपकी फेमोरल जो वेसल्स हैं उनकी ब्रांचेस और उनके सर्कम्फ्लेक्स वेसल्स, बेसिकली उनकी डायरेक्शंस के साथ ये अपवर्ड जाना शुरू कर देगा, तो ये इसका रूट है हर्निया का। तो हर्निया का रूट कैसे आता है, बेसिकली फेमोरल रिंग से स्टार्ट होगा, पहले फेमोरल रिंग में एंटर होगा, उसके बाद ये फेमोरल केनाल के अंदर जाएगा डाउनवर्ड, ठीक है,
फेमोरल किनाल में जाएगा डाउनवर्ड, उसके बाद ये नीचे जाएगा, सॉरी फॉरवर्ड आएगा इनटू द सेफनस ओपनिंग, फॉरवर्ड सेफनस ओपनिंग के वाले एरिया में, सेफनस ओपनिंग के अंदर। उसके बाद फिर क्या, ये अपवर्ड चला जाएगा, अपवर्ड विद द सर्कम्फ्लेक्स जो आर्टरीज हैं जो उनके साथ ही उनके डायरेक्शन में, उनकी डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड थी, उनके लॉन्ग अपवर्ड ये रन करना शुरू कर देगा। तो यानी आपको एक प्रोट्रूजन नज़र, तो अगर आप चाहते हैं कि इस हर्निया को आप वापस करें, यानी अपनी जो भी एब्डोमिनल कंटेंट बाहर निकला है इसको वापस भेजें, तो आपने इसकी डायरेक्शन सेम ऑपोजिट, यानी आपको पहले इसको डाउनवर्ड पुश करना पड़ेगा, फिर इसको बैकवर्ड पुश करना पड़ेगा, और फिर इसे अपवर्ड पुश करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि ये क्या गया था, पहले अपवर्ड आया है, उसके बाद फिर फॉरवर्ड आया है, और फिर डाउनवर्ड आया है, तो इसलिए आपने इसको पहले डाउनवर्ड पुश करेंगे हर्निया को बैकवर्ड करने के लिए, और फिर इसे बैकवर्ड पुश करेंगे एंड देन अपवर्ड फ्रॉम द फेमोरल रिंग। ये इसकी इसका रिवर्स है कि रिवर्सल कैसे करना है हर्निया का। सेम टाइम क्या होता है कि हर्निया इस तरह से प्रेशर देने से वापस नहीं जाता, यानी कंटेंट आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल कंटेंट उसका लार्जर पार्ट आपका आ गया हुआ है उस फेमोरल किनाल के थ्रू, तो वो वापस नहीं जाता, रिवर्सल नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब होता है फंस जाना, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हर्निया स्ट्रैंगुलेट कर गया हुआ है, इसीलिए वो फंस गया है, इसी वजह से वो बैकवर्ड नहीं जा रहा है, रिवर्स नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना होता है, इस सिचुएशन में हमारे पास, हमें बाउंड्रीज फेमोरल रिंग की इसी वजह से याद रखने का था, तो हमारे पास उसकी इंटीरियर मीडियल पोस्टीरियर और लैटरल, तो पोस्टीरियर इसकी क्या थी, हमारे पास पेक्टिनियस मसल का फेशिया था जो कि हम नहीं कर सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, मस्कुलर फाइबर्स वो हो जाएंगे। लैटरली सेप्टम है, उसे भी नहीं कुछ कर सकते। इंटीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट है, वो भी एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से और सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो हमारे पास मीडियली क्या होता है, लेकनर लिगामेंट, तो आप लेकनर लिगामेंट के अंदर एक इंसिजन देते हो, उसको कट करते हो, लेकनर लिगामेंट को कट करके इस मीडियल कंपार्टमेंट का साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो जब मीडियल कंपार्टमेंट का साइज इंक्रीज करते हैं, उसके बाद ये रिवर्सल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, दैट इज हर्निया को, जो हर्निया है उसको पहले डाउनवर्ड पुल करेंगे, पुश करेंगे, उसके बाद फिर बैकवर्ड पुश करेंगे एंड देन अपवर्ड पुश करेंगे, तो ये फिर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रैंगुलेशन क्या है, सम टाइम्स विद द रिवर्सल प्रोसेस हर्निया डू नॉट रिवर्स और गो टू इट्स नॉर्मल पोजीशन और गो बैकवर्ड्स, दैट इज नाउन एज द स्ट्रैंगुलेशन ऑफ हर्निया। इन दैट केस वी कट द लैकुनर लिगामेंट टू इंक्रीज द फेमोरल रिंग, टू इंक्रीज द साइज ऑफ द फेमोरल रिंग, और उसके बाद फिर ये प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो हर्निया रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हर्निया के कंटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसकी बेसिकली एक नेक होती है और एक सैक होता है, सैक के अंदर कुछ डिफरेंट लेयर्स हो सकती हैं, उसकी पेरिटोनियल की लेयर हो सकती है कोई भी, यानी वो उसकी कवरिंग होती है सैक की, हर्नियल सैक की, तो आप कहते हैं कवरिंग ऑफ हर्नियल सैक, वो पेरिटोनियम की लेयर्स हो सकती हैं। ठीक है, और उसकी अपनी कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स हो सकती हैं, और जो कॉन्टेंट हो सकते हैं, कॉन्टेंट मेनली फेमोरल हर्निया के अंदर मेनली इंटेस्टाइन कॉन्टेंट हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन हो सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकती है, ठीक है, कुछ कोई भी पार्ट हो सकता है उसका। ठीक है, तो ये आपके कंटेंट्स में आ जाते हैं, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी आज।